कैल्सी एकदम सही है, न्यूट्रोफिल भी एकदम सही है, फैगोटस भी एकदम सही है, ऑलमोस्ट सब सही है, 100% परफेक्ट है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटलेट्स काउंट जो है एग्जैक्ट है एकदम। अभी डॉक्टर साहब सब देखेंगे आपका जो है, तो विल एनालाइज एवरीथिंग। तो एफएमसी कहाँ से आपका लक्ष्य बना, लाइक कैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को वाया नीट एफएमसी जाना है? सर बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था, मेडिकल में भी था और आर्मी में था, तो दोनों का खाली एक ही मेरे को ऑप्शन नजर आया। अच्छा, कम्बो ऑफर ले लेते हैं। हाँ ये सही है, बहुत लोग को जब इंजीनियर बनने का पैशन होता है तो फौज के इंजीनियरिंग भी चुन लेते हैं, कि फौज भी मिल गई और इंजीनियर भी बन गए। स्कोर तो बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, कितना कट ऑफ जाता है बताया आपको? हाँ जी, हाईएस्ट स्कोर चाहिए आपको, तब जा कर के जो है आप एफएमसी के थ्रू जा सकते हैं। एफएमसी के थ्रू तो जाते ही हैं मेडिकल विंग में। एक और ऑप्शन हम लोग क्रिएट होता है, जैसे जिन्होंने मेडिकल कोर्स कंप्लीट किया हुआ है किसी भी कॉलेज से, एमबीबीएस, तो उनको डायरेक्टली ऑप्शन आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन का, वो डीजीएफएमसी मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में जो है उनको डायरेक्ट वैकेंसीज निकाली जाती हैं, तो वो लोग भी अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट रहती है या फिर एग्जाम के थ्रू? जी जी, दोनों ऑप्शन है, मतलब लाइक एमबीबीएस भी है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं फौज के अंदर, यू नो। तो एनडीए के फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देंगे? सेकंड सितंबर वाला दिया। क्या हुआ? मैथ्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला, तो इस बार मेहनत हो रही है अच्छे से, तो सेल्फ स्टडीज ही कर रहे हैं? कोचिंग एमटीसी में अभी एक हफ्ते पहले कोर्स किया, 3 मंथ्स। अच्छा, सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा है। आज क्लास कैंसिल की आपने? सर दो पीरियड्स ले ली थे, फिर बता दिया कि प्री मेडिकल है, तो कोई बात नहीं। 7 बजे से लेके 1 बजे तक रगड़ा रहता है, अलग अलग शाम में डाउट काउंटर वगैरह पे भी आते हैं? डाउट काउंटर रहता है एज पर, एक दो दिन जब रहता है तो पूछ आप आ जाते हो डिस्कस करने के। ठीक है, टीचर्स बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? मार्च में बोर्ड बैठना है, फिर अप्रैल में एनडीए बैठना है, फिर जेई बैठना है, तो हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम ऑप्शंस क्रिएट हो जाए आपके सामने। अब यही क्या होता है बच्चे, जैसे 10+2 के बाद बच्चे आते हैं तो चैलेंज बहुत बढ़ जाता है, हमारे लिए भी बच्चों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जेई में भी नहीं बैठे होते हैं, दूसरी बार एज पे ऊपर जाने लगते हैं। और उनको जब मैं मोटिवेट भी करता हूँ कि बेटा नेक्स्ट जेई में बैठ जाओ, तो उनको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड ही नहीं सर, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो क्या करूंगा बैठ कर। सो एवरीवन, अब हम जानते हैं कुछ बच्चों से जो है अपना प्री मेडिकल टेस्ट कराने आए हैं, और ये बच्चे अलग अलग इंट्रीज के हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। हम जानते हैं इनका यहाँ पे फीडबैक क्या रहा है, इनको इनकी कैसे टेस्ट हुई है, चलिए एक एक करके हम सारे बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शुभम है। शुभम, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली? यस सर। ओके, कौन सी एंट्री है आपकी? सर मेरी एंट्री एफएमसी है। एफएमसी दिल्ली से। आपको यहाँ पे कैसे पता चला हेल्थ केयर के बारे में? सर मैंने वहाँ पे बहुत मेडिकल हॉस्पिटल में देखा कि जहाँ पे डिफेंस का मेडिकल हो जाए प्रॉपर, बट ऐसा कोई मिला नहीं। मैंने गूगल पे देखा तो मेरे को ये आपका एमकेसी दिखा, जहाँ पे पूरा डिफेंस का कंप्लीट चेकअप होता है, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ आ गया। तो इससे पहले क्या आप कहीं और पे चेकअप करा चुके हैं? नो सर, मैं अभी तक नहीं। आप पहली जगह हैं? यस। तो आपने रिसर्च किया, आपको यहाँ अच्छा लगा। ओके, तो यहाँ आपका अगर आपको रेट की रेट करना हो आउट ऑफ 5, तो यहाँ पे आप कितने रेट देना चाहेंगे हेल्थ एमकेएच को? सर मैं यहाँ पे 4.5। 4.5 ओके। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ का प्रोसीजर क्या है पूरे टेस्ट का? सर प्रोसीजर तो ठीक था, पहले हमारा आई चेकअप हुआ, फिर डेंटल हुआ, फिर ENT हुआ, फिर हमारे इसके ब्लड चेकअप हुआ, फिर यूरिन चेकअप हुआ, और एंड में ऑर्थो। ऑर्थो यस सर। ओके, तो सारे टेस्ट एक एक करके हुए आपको, मतलब सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस क्या था सर? सीक्वेंस पहले हमारा डेंटल चेकअप हुआ, आई हुआ, फिर ENT हुआ, फिर ऑर्थो हुआ, और लास्ट में ये सेकंड नंबर पे ब्लड और यूरिन हुआ, फिर लास्ट में ऑर्थो हुआ। ऑर्थो हुआ। आपका क्या नाम है? सूर्यांश सिंह। सूर्यांश, आप एमकेसी के स्टूडेंट हैं? हाँ मैं एमकेसी का स्टूडेंट हूँ, अभी मंडे मैंने ज्वाइन करा है ऑनलाइन। मंडे ज्वाइन किया है ऑफलाइन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेल्थ केयर चेकअप कराने आए हो, कौन सी एंट्री की आप? एनडीए एंट्री। एनडीए एंट्री की। आपको एमकेएच के बारे में कैसे पता चला? ऑनलाइन तो जैसे मैंने पहले से फॉलो करता रहा हूँ मैं एमकेसी को, और उसी के थ्रू, क्योंकि इसी का एमएज कलशी का ये हेल्थ केयर, तो थ्रू ऑनलाइन ही मुझे पता चला। ओके, एक और चीज़ हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं डिफेंस की, उनमें मेडिकल को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। हाँ। रिटेन SSB या फिर अदर इंट्रीज में भी। हाँ। वो सारा कुछ क्वालिफाई करके तब मेडिकल में जाते हैं, और उस सीन में उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ जाता है। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्री मेडिकल कितना जरूरी है डिफेंस के बच्चों के लिए? सर प्री मेडिकल बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे जाके अगर किसी भी एक चीज़ से हम हट जाते हैं तो बहुत
पेन होता है। ओके, आप तीनों में से सब फ्रेशर हैं या किसी ने पहले कोई? मैंने दे दिया है, अपने एनडीए दिया है। तो क्या सीन था? दिया था, रिटर्न नहीं निकला था, मैथ्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी, क्लियर हुई थी। ओके, आपका क्या नाम है? सोमिल वर्मा। सोमिल, आप कहाँ से हैं सोमिल? मैं बरेली से हूँ। बरेली से। आपको हेल्थ केयर के बारे में कैसे पता चला? मैं जब कोचिंग एडमिशन लेने आया था अभी म्यूजिकल से, तो वहीं पे हेल्थ के आपके वो थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि प्री मेडिकल हो रहा है, आप चाहे तो दे सकते हो। ओके, और आपने खुद से इनिशिएट करके चेकअप कराया है? जी। ठीक है, आप तीनों का सारे चेकअप हो चुके हैं? सब आप लोग टोटली फिट हो? बस एक दो में है, बाकी वो क्योर हो जाएगा। नॉकनी में थोड़ा सा उन्होंने बताया कि एक दो महीने, हाँ नॉकनी में मिला है, एक दो महीने में बोला है कि ऐसे ऐसे स्टेप्स करने को बोले हैं, क्योर हो जाएगा। आपका सब ओके? मेरे भी नॉकनी का है, मुझे बोला है कि पिलो यूज करने को। तो जैसे नॉकनी में अपने डॉक्टर ने बताया कि आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसको क्योर करने का उपाय बताया है कैसे सही करना है? हाँ, उन्होंने पूरा प्रॉपर टिप्स के साथ टाइम ड्यूरेशन दिया है कि इतने एक दो महीने में वो अपने आप क्योर हो जाएगा। डॉक्टर्स क्या फ्रेंडली थे सारे चेकअप्स में? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल सब फ्रेंडली। स्टाफ मैनेजमेंट सब बढ़िया था? सब बढ़िया था, सही से हॉस्पिटैलिटी सब सही थी। सही थी? यस जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में सभी एंट्रीज के बच्चों के लिए प्रॉपर प्री मेडिकल चल रही है। अगर आप भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं और किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो री मेडिकल से बचने के लिए मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में आइए और प्री मेडिकल जरूर करवाइए। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और प्री मेडिकल के लिए आके प्री मेडिकल कराइए और अपनी सिलेक्शन को 100% श्योर करिए। जय हिंद।